पॉजिटिव मरीज तलाश में जुटी बागपत पुलिस। कोरोना वायरस महामारी के चलते कई महीनों से लोग परेशान हैं और लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं कोशिश। तो ऐसे में कोरोना काल के बीच यूपी के बागपत से कोविड 19 हॉस्पिटल से मरीज के फरार होने का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल में भर्ती एक किशोर देर रात खिड़की को काटकर फरार हो गया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मामला बागपत जिले का है, जहां दोघट थाना क्षेत्र में एक महापुर बिहार का रहने वाला नौकर रंजन उर्फ चुलबुल एक पिस्टल व हजारों रुपए चोरी कर फरार हो गया था, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस ने किशोर चोर को कुछ दिन पहले ही बिहार से गिरफ्तार कर पिस्टल भी बरामद कर ली थी, जिसके चलते ही आरोपी को जेल भेजने के लिए कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे 14 जुलाई को सर्वोदय हॉस्पिटल से कोविड 19 हॉस्पिटल खेकड़ा में भर्ती कराया गया था और देर रात वह हॉस्पिटल की खिड़की को काट कर फरार हो गया है। कोरोना पॉजिटिव किशोर के फरार होने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। फिलहाल फरार युवक को गिरफ्तार करने के लिए तीन टीम गठित कर दी गई है। रंजन नाम का एक अभियुक्त सर्वोदय हॉस्पिटल से जो कोरोना पॉजिटिव था 14 तारीख को यहाँ शिफ्ट किया गया था। आज रात 12:30 बजे के बाद उसके भागने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर हम डीएम साहब यहाँ मौके पर हैं, तलाश के लिए तीन टीमें रवाना कर दी गई। मुकदमे थे बंदी दोघट थाने से उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था पिस्टल चोरी का, उसको गिरफ्तार करके ले आया गया था और उससे पिस्टल की चोरी हुई थी, उसके बाद उसको जेल भेजा जाना था। टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाया गया, उसको सर्वोदय हॉस्पिटल में रखा गया था, जिसको 14 तारीख को यहाँ सीएससी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। सर, ये कोविड हॉस्पिटल जो खेकड़ा में महिलाओं का विंग है, सर ऐसे में इसको बंदी को रखा गया, सर क्या सर इस बारे में जांच की जा रही है।